हेलो स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 पॉइंट थ्री क्वाडिटी की जो कि क्लास टेंथ का है ये क्वेश्चन एज से रिलेटेड है तो क्वेश्चन नंबर फोर है द सम ऑफ द रेसी प्रोकल्स ऑफ रेहमान्स एज इन ईयर्स थ्री ईयर्स अगो एंड फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ इज वन अपॉन थ्री फाइंड हीज प्रेजेंट एज तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स की ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि ये थ्री इयर्स अगो और फाइव इयर्स फ्रॉम का मतलब क्या होगा देन इनके अकॉर्डिंग हम एक इक्वेश्चन बनाएंगे और फिर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल ओके नाउ वी जस्ट एज्यूम द रेहानस प्रेजेंट एज इज एक्स इन सो जस्ट राइट लेट रहेमांस प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स ना इसके बाद में गीवने की थ्री ईयर्स अगो एगो का मतलब होता है पास्ट में तो इसका मतलब थ्री ईयर्स पहले की बात करेंगे हम ओके okay? और फाइव ईयर्स फ्रॉम का मतलब फ्यूचर में फाइव ईयर्स बाद की बात करेंगे तो थ्री ईयर्स अगो किसी की भी एज होती है वो माइनस थ्री हो जाती है और फाइव ईयर्स फ्रॉम का मतलब आज से फाइव ईयर्स बाद में वो एज प्लस फाइव हो जाती है तो हम लिखेंगे थ्री ईयर्स अगो 3 years ago his age was his age was x minus 5 years then 5 years from now his age will be ज एज विल बी सॉरी इट वॉज एक्स माइनस थ्री ये होगा एक्स माइनस थ्री और यहां पर होगा एक्स प्लस फाइव इन हमको यह लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट कहा गया है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे तो क्वेश्चन को हम वर्ड बाई वर्ड पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स मैं आपको यह बताऊंगा कि इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही ईजी मेथड है आपको एक बार समझ लेना है तो यहाँ लिखा था सम ऑफ रेसी तो सम का मतलब पहले हम प्लस का साइन लेंगे ओके सम ऑफ देन रेसी किसका रेसी लेंगे रहमान की जो एज थी थ्री इयर्स एगो और फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ उनका रेसी लेंगे तो यहां पर जस्ट हम ये लिखेंगे वन अपॉन एक्स माइनस थ्री और प्लस के राइट में लिखेंगे वन अपॉन एक्स प्लस फाइव फिर क्वेश्चन में लिखा है इज वन अपॉन थ्री तो इज का मतलब होता है वो इक्वल का साइन होता है और इसके बाद में हमें लिख लेना यहां पे वन अपॉन थ्री ओके सो इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री नाउ स्टूडेंट्स अब आप जानते हो आपको क्या करना है एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां पर एलसीएम लेंगे हम इसका एलसीएम ये आएगा x माइनस थ्री एंड एक्स प्लस फाइव दोनों को हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे और न्यूमरेटर में हमें मिलेगा एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल्स वन अपॉन थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर जो होगा वो सिंप्लीफाई करने पे थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा टू एक्स और फाइव माइनस थ्री को हम सिंप्लीफाई करके हम टू लिख देते हैं ओके okay? देन इट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव तो क्रॉस मल्टीप्लाई में एक साइड का न्यूमरेटर दूसरे साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और यही ऑपरेशन हम दोनों साइड में परफॉर्म करते हैं तो so वन से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आएगा इसलिए राइट right साइड में हमने एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस फाइव लिख दिया है नाउ थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हम तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा सिक्स एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर और सारी टर्म्स को हम एक तरफ लेते हैं जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो तो टू एक्स माइनस सिक्स एक्स ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स और माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स ये होगा माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू ज़ीरो तो अब इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख, लिख लिया जाए जिससे कि ये थोड़ा अच्छा लगे तो हम इसको ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो अब हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो ट्वेंटी वन के फैक्टर्स हम सेवन और थ्री करते हैं और मैं ये मेथड आपको बहुत बार बता चुका हूँ सेवन और थ्री सेवन थ्री से ट्वेंटी वन होता है बट यहाँ पर फोर जो है वो नेगेटिव है आप देख सकते हो एक्स का कोफिशियंट तो बिगर नंबर हम नेगेटिव लेंगे स्मॉलर नंबर पॉजिटिव लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन इक्वल ज़ीरो एंड एक्स को कॉमन लिया हमने एक्स माइनस सेवन फिर हमने थ्री कॉमन लिया एक्स माइनस सेवन इक्वल्स जीरो फाइनली हमें इसके फैक्टर्स मिल गए हैं एक्स माइनस सेवन एंड एक्स प्लस थ्री इक्वल्स जीरो से अब हमें एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू सेवन एक्स इक्वल टू माइनस थ्री माइनस थ्री पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी सो so, हम यहां लिखेंगे एक्स इक्वल माइनस थ्री नॉट पॉसिबल रीजन क्या लिखेंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव तो स्टूडेंट्स कभी भी कुछ क्वेश्चन एज से रिलेटेड हों या डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड हों उनमें अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम उसको ऑमिट करते हैं बिकॉज ना स्पीड नेगेटिव होती है ना ही डिस्टेंस नेगेटिव होती है और ना ही किसी की एज नेगेटिव होती है तो हम ये कह सकते हैं हैंस हैंस एक्स इक्वल टू सेवन तो अब हमें इसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी हैंस हम लिखेंगे हैंस प्रेजेंट एज ऑफ हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज़ सेवन ईयर्स ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ये आंसर हमारा हो जाता है सेवन ईयर्स ओके नाउ आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बाकी एज से रिलेटेड क्वेश्चन और भी हैं और एन सी आर टी में ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको बुक से ही मिले एन सी आर टी के बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि आपको इक्वेशन्स कैसे बनानी है अगर इक्वेशन्स आप सही बैलेंसड बनाएंगे तो हंड्रेड परसेंट आपका आंसर करेक्ट होगा ओके okay, स्टूडेंट्स Have a nice day.